हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, बेटा आपको ये स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। आपसे कहा है ये सभी स्क्वायर मैच स्टिक से बने हैं, माचिस की तीलियों से बने हैं। आपसे कहा है हर स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से अलग नहीं है। क्यों नहीं अलग है? ध्यान दो बेटा, ये दोनों स्क्वायर बेटा एक कॉमन मैच स्टिक से जुड़े हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा, ये दोनों स्क्वायर एक कॉमन मैच स्टिक से जुड़े हैं। ये दोनों स्क्वायर भी एक कॉमन मैच स्टिक से जुड़े हैं। वही बात आपको यहाँ दिखेगी, हर दो स्क्वायर के बीच में बेटा एक कॉमन मैच स्टिक है, ठीक है। आपसे कहा है बेटा आप लॉ बताइए, नियम बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ कितने स्क्वायर हैं, तो बेटा 1 स्क्वायर है 1 स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ कितने स्क्वायर है बेटा, 2 स्क्वायर है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 स्क्वायर हैं। और यहाँ 1 2 3 4 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब बेटा आप ध्यान दो, मैं आपको कह रही हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप उसे x से यदि बताते हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर पहली बार में 1 मिला, फिर बेटा 2 मिला, फिर बेटा 3 और फिर 4 मिला, ठीक है। अब बच्चों हम मैच स्टिक गिन लेते हैं। यहाँ मैच स्टिक कितनी यूज हुई, 1 2 3 4 मैच स्टिक यूज हुई, यहाँ पे 4 है ना। यहाँ मैच स्टिक कितनी यूज हुई, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 मैच स्टिक यूज हो रही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैच स्टिक यूज हुई। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बेटा यहाँ 13 मैच स्टिक यूज हुई। ये मैंने जो सर्कल में बनाया ये क्या है बेटा, मैच स्टिक, ठीक है। ये सभी क्या है बच्चों, मैच स्टिक है। और ये 1 2 3 क्या है, स्क्वायर है बेटा, नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए, ये बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लॉ बनाएंगे, क्या बनेगा, 3x + 1 ये बनेगा बेटा लॉ। चलिए कैसे बना वो समझते हैं। यदि आप x की जगह 1 रखते हैं, यहाँ रखिए बेटा x की जगह 1, तो 3 × 1 यहाँ लिख देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। यदि आप x की जगह 1 रखते हो तो 3 × 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 + 1 4। आप ध्यान दो बेटा, एक स्क्वायर को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज हुई, तो पता चल गया 4। ये देखिए एक स्क्वायर को बनाने में 4 मैच स्टिक यूज हुई, ठीक है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, x = 2 लेंगे, पुट x = 2 इसमें रखो, 3 x की जगह 2 + 1 ये कितना होगा बेटा, 6 + 1 7, ठीक है। दो स्क्वायर को बनाने में कितनी मैच स्टिक यूज हुई बेटा, 7। ये दो स्क्वायर हैं, उसे बनाने में 7 मैच स्टिक यूज हुई, ये भी चेक कर लिया। अब बेटा हम x = 3 पुट करेंगे, इसमें आप पुट करोगे तो 3 × 3 हो जाएगा और +1 कितना होगा बेटा, ये 9 + 1 10, ठीक है। 3 स्क्वायर बनाने के लिए आपको 10 मैच स्टिक चाहिए, ये देखिए 3 स्क्वायर बनाने हैं, 1 2 3 मैच स्टिक कितनी चाहिए, 10, ठीक है। इसको भी हमने चेक कर लिया। बेटा x = 4 ले लो, पुट कर देते हैं इसमें,
तो 3 × 4 प्लस 1 कितना होगा बेटा ये 12 + 1 = 13। बेटा 4 स्क्वायर बनाने के लिए, ये देखिए 4 स्क्वायर बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए आपको, 13। इस तरह से बेटा हमने चेक कर लिया इन सभी स्क्वायर को बनाने के लिए हमें मैचस्टिक कितनी चाहिए, किस फॉर्मूले से पता चलेगी, किस लॉ से पता चलेगी, 3x + 1। आंसर क्या बना बेटा, 3x + 1। और x क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रखे हैं, आपसे कहा है हर ट्रायंगल मैचस्टिक से बना है, माचिस की तीलियों से बना है। आप ध्यान देंगे तो बेटा हर ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से अलग नहीं है। क्यों बेटा, ध्यान दो, ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से इस कॉमन मैच स्ट्रिक से जुड़ा है, जुड़ा है दोनों ट्रायंगल में बेटा, ये मैच स्ट्रिक कॉमन है। ठीक, यदि आप इधर ध्यान दो तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन मैच स्ट्रिक है, इन दोनों ट्रायंगल में भी ये कॉमन मैच स्ट्रिक है, और यही बात आपको यहाँ मिलेगी। इसका मतलब हर ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से अलग नहीं है, एक कॉमन मैचस्टिक से जुड़ा है। आपको बेटा इनके लिए जनरल रूल बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम मैचस्टिक पता करते हैं, किस ट्रायंगल में कितनी मैचस्टिक यूज हुई है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ आपको 1, 2, 3, इसमें बेटा 3 मैचस्टिक यूज हुई। इधर देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बेटा 5 मैचस्टिक यूज हुई। इधर ध्यान दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 मैचस्टिक यूज हुई। अब यहाँ ध्यान दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 मैचस्टिक यूज हुई। ठीक है, अब बेटा नंबर ऑफ ट्राइंगल और पता कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ कितना ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल है ना, यहाँ कितने ट्राइंगल हैं, तो बेटा 2 ट्राइंगल हैं। यहाँ 1, 2, 3, 3 ट्राइंगल हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 ट्राइंगल हैं। अब बच्चों x का मतलब मान लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला बेटा इसमें बनेगा 2x + 1, ये बनेगा बेटा, ये आपका जनरल रूल बनेगा। यहां लिख लेते हैं ये जनरल रूल। अब बेटा हम इसे चेक भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख लो x = क्या हुआ, 1, 2, 3, 4। अब जनरल फॉर्मूले में बेटा x की वैल्यू रख के हम चेक करेंगे क्या यही मैचस्टिक इसमें यूज होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बेटा x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 रख रहे हैं मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल कौन सा, 1, एक वाला बेटा ये वाला है ना, तो x की जगह यहाँ 1 रखो, लिख लो x = 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 × 1 और ये +1 कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 = 3। ध्यान देना बेटा, आपने x की जगह 1 रखा आपको 3 मिला, क्या बता रहा है ये बता रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल यदि 1 है तो मैचस्टिक कितनी यूज होगी, 3 यूज होगी। चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल यदि 1 है, ये वाला मैचस्टिक कितनी यूज हुई, 3, चेक कर लिया। अब आगे चलो x = क्या रख दें, 2 रख देते हैं, x = 2 पुट कर देते हैं, यहाँ रखो तो 2 × 2 + 1, ये हो गया 2 × 2 = 4 + 1, कितना हुआ बेटा 5। ये क्या बता रहा है, x = 2 मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, 2, तो मैच स्टिक कितनी यूज हुई, 5। तो देखिए
दो ट्राइंगल हैं, है ना। मैच स्टिक कितनी यूज हुई बेटा, 5। ये चेक कर लिया। अब आगे चलते हैं, एक्स इक्वल टू हम 3 पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं जनरल फॉर्मूले में। यहाँ रख दो 2 × 3 + 1, ये कितना होगा बेटा, 6 + 1 कितना हो गया, 7। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। यदि 3 हैं तो मैच स्टिक कितनी यूज होगी, 7। तो ट्राइंगल कितने हैं बेटा, यहाँ पे 3 हैं 3, मैच स्टिक कितनी यूज हुई, 7। चेक कर लिया। अब बेटा हम x की जगह क्या रखेंगे, 4। x इक्वल टू 4 पुट करो जनरल फॉर्मूले में। यहाँ पे 2 × 4 + 1 ये कितना होगा बेटा, 8 + 1 = 9। ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 4 का मतलब 4 ट्राइंगल, 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्राइंगल। मैच स्टिक कितनी यूज होगी 4 ट्राइंगल को बनाने में, 9। ये देखिए 9 आया, 9 मैच स्टिक यूज हुई, ये भी चेक हो गया। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है उनको मैच स्टिक से यदि बनाना है तो बेटा आपको जनरल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2x + 1।